रो छोटो तो बनैया काली तह खेलन आयो रिम रो पारो तो कन्हैया काली तह खेलन आयो रिमो मारो तो बनैया गरीब नागिन नाग जगाए दे अपनो 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 याही की खातिर आयो मेरो बारो तो कन्हैया काली तह खेलन आयो मेरो बारो तो कन्हैया तह खेलन आयो मेरो बारो तो कन्हैया बारो तो कन्हैया मेरो छोटो तो कन्हैया बारो तो कन्हैया रे मेरो छोटो तो कन्हैया काली तह खेलन आयो मेरो बारो तो कन्हैया काली तह खेलन आयो मेरो बारो तो कन्हैया काली तह खेलन आयो मेरो बारो तो श्री राधे बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। भैया सभी मोबाइल वाले भैयाओं से मेरा नंबर निवेदन है, बेकार में मेमोरी फुल कर रहे हो तुम अपनी वीडियो बना बना के। ये कथा लाइव चल रही है यूट्यूब चैनल पे, काहे को मेमोरी फुल कर रहे हो वीडियो बना बना के? चैनल को सब्सक्राइब करो, व्यास जी महाराज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री रामेश्वर पाठक जी चैनल का नाम है, श्री रामेश्वर पाठक जी चैनल को सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़ा अच्छा बड़ा आनंदमय प्यार, यमुना खेलते खिलाते भगवान ने ज्ञान यमुना में जब डाल दी तो वही भगवान उस ज्ञान को लेने गए। नाग पत्नियों ने मना किया, लेकिन कन्हैया ने नाग देवता को जगाने के लिए लात का प्रहार किया, उसने भगवान को बंधन में बांध दिया। मेरे प्रभु ने शरीर को बढ़ा करके उसकी नसों को तोड़ दिया और निकल के उसके फनों पर सवार होकर के आज जिस फन को यह उठाता ना उसी फन पर लात का प्रहार करते। परमपिता परमात्मा कृष्ण आज कालिया नाग के फनों पर चढ़े हुए और वह लात जब उसके फनों पर मार देना तो रुधिर बहने लगता है। 1000 माने सहस्त्र भुजा या सहस्त्र फनों वाला था कालिया नाग, इसके 1000 मुख थे, 1000 फनों वाला था ये, लेकिन भगवान ने कुचल दिया इसे। इनकी पत्नियां हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हैं, भगवान हमारे पति को छोड़ दो। ठाकुर जी ने कहा छोड़ देंगे, कोई दुश्मनी थोड़ी है,
अरे वो तो हमारे ब्रजवासियों को तंग कर रहा था, विषैला जल कर दिया, गाय पीती मर जाती, पंछी पीते मर जाते, कोई ग्वाल सका पीता मर जाता, इसलिए ठीक है छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ इस स्थान को छोड़ के जाना होगा आपको। और मैं तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा एक स्थान बताता हूँ, रमण द्वीप के लिए आप चले जाओ, और सुनो पीछे मुड़ के नहीं देखना है आपको, अगर जहां भी पीछे मुड़ के देख लोगे ना, वहां जाने से पहले वहीं पत्थर के बन जाओगे आप, स्वीकार है ना? कालिया ना कह रहा है इससे तो अच्छा स्वीकार है, क्योंकि लात मार मार के फिर कर देगा नसंडी। भगवान ठीक है, भगवान ने कहा तो ले चलो, हमारे ब्रजवासी इंतजार कर रहे होंगे ना, ऊपर करके आओ हमें। कालिया नाग के फनों पर सवार हो भगवान झूमते नाचते मुरली बजाते निकल के ऊपर आ गए। यशोदा मैया ग्वाल बाल सखा नंद बाबा, अब तक तो सभी वृंदावन वासी आ गए थे यहाँ, लेकिन आज कन्हैया से मिलके बड़ी प्रसन्नता इनको हुई है। चलो कुशल आ गया हमारा लाला, बड़ा प्रसन्न बड़ा आनंद। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं आए भगवान इस भांति वृंदावन में भी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन तो बड़ा सुंदर भगवान ने आज लीला की है महाराज, कीड़ा सकते सुगोपे सु तत गबो दूर चारिणी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण यड वासुदेव श्री कृष्ण गो। बोल दो एक बार प्यार से राधे राधे। एक बार गायें दूर चली गई ना, तो मुंज वन में गायें चारा चुगते चुगते पहुंच गई, यहीं आग लग गई। और भगवान कृष्ण राम को यह ग्वाल बाल सखा पुकारना, हे सखा हे राम हे श्याम काऊ हमारी रक्षा करो। तभी भगवान ने कहा नेत्र बंद कर लो, और जिस भगवान को मनाना चाहते हो ना उसी भगवान का नेत्र बंद करके ध्यान करो। अब भगवान क्या वही राम श्याम को पुकारना नेत्र बंद करके। भगवान ने दावा अग्नि का पान किया, ब्रजवासियों को ग्वाल बाल सखाओं को और गायों को बछड़ों को लेकर के नई भांडीर वन में आ गए। बड़े प्रसन्नता के साथ ब्रजवासियों की सुरक्षा इस मात मेरे प्रभु कर रहे हैं आज। स्वामी सुखदेव जी ने कहा है एक दिन भगवान गायें चरा रहे थे, चारों ओर से काले काले मेघों की गर्जना होने लगी, ऐसा लगा कि जैसे अंधियारी रात हो गई हो, चारों ओर से मेघ गरज गरज के आ गए और घनघोर वर्षा होने लगी। लेकिन भैया उस जमाने में पहले ना जंगलों में जब पशु चारा चुगाया जाते था ना ग्वाल वालों के द्वारा, तो बड़े बड़े वृक्ष होते थे, ऐसे बड़े वृक्ष जो जंगल में पशु और मानव दोनों को ही बरसात के समय में छिपा करके रख लिया करते थे, ऐसे वृक्ष होते थे, वहीं रह करके छिप करके अपने आप को बचाया ग्वाल बाल बछड़े सबने। और जब वर्षा बंद हो गई तो ठंडा पवन बहुत सुंदर ऋतु आया, ठंडा शरद ऋतु का पावन समय आ गया और बड़ी पावन शरद ऋतु बहना प्रारंभ हो गया। तभी भगवान ने आज बड़ा सुंदर नट का वेश बनाया, अपने पैरों में बांस बांध लिए, कानों में कनेर के पुष्प लगे हुए, बहुत सुंदर मस्तक पर मोर पंख है, और आज नट के वेश में बना करके भगवान कलाएं मारते हुए चले आए। स्वामी सुखदेव जी ने कहा है आज भगवान के स्वरूप को देख करके सभी ब्रज गोपिकाओं ने भगवान को जब देखा है ना, तो एक दूसरी ने देख देख करके आज आनंदित भाव से कहा। एक सखी कह रही है अरे ओ मैं नेत्र पाने का मुख्य लाभ तो केवल तभी समझती हूँ जब भगवान कृष्ण के और बलराम के साथ आती हुई जोड़ी का दर्शन कर लेती हूँ ना, तो मुझे नेत्र पाने का शुभ अवसर बड़ा आनंदित होता है। दूसरी वाली सखी कहने लगी अरे ओ श्याम सुंदर के माथे पर मोर पंख देख कितना सुंदर लग रहा है, कानों में कनेर के फूल कितने डुलायमान हो रहे हैं। तीसरी सखी ने कहा न जाने बांसुरी ने कौन सा पुण्य किया है जो हमेशा भगवान के अधरों से लगी रहती है। और चौथी सखी कह रही है बहन देख तो सही वन के पंछियों को कितने शांत भाव से कन्हैया की मुरली सुन रहे हैं,
और यह बछड़ी गाय ने तो चारा भी छोड़ दिया है। आज सभी ब्रज गोपिकाओं पर कार्तिक पूर्णिमा से कात्यायनी देवी का इन्होंने व्रत आरंभ किया है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने का अनुष्ठान ब्रज गोपियां करने लगी। अब बहुत सुंदर यमुना के जल में ये स्नान करती हैं और वहीं स्नान करने के बाद बालू की प्रतिमा कात्यायनी माता की बना करके वहीं पूजा करती हैं उनकी। और बड़े सुंदर भाव में कहते हैं, हे माँ कात्यायनी महामाय महा योगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, हे माता, हे महामाई, हे जगत जननी, हे माता भगवती, हे माँ, हम आपको कोटि कोटि वंदन कर रहे हैं। 108 बार इसी मंत्र का यह जाप करते हैं और वही कहते हैं, नंद गोप सुतम देवी, जो नंद नाम के गोप का पुत्र है, सुत माने पुत्र है, वह कृष्ण को हम अपना पति बनाना चाहते हैं, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करो मैया। और भगवान ने देखा यह गोपियां मुझे पाने के लिए व्रत कर रही हैं, अनुष्ठान धारण किया है इन्होंने, लेकिन ये एक भूल कर रही है, नगिन अवस्था में स्नान करती हैं यह। और आज भगवान अरुणोदय काल में गोपियों के वस्त्रों को लेकर के कदम के वृक्षों पर टांग लिया है और वहीं बैठ करके मुरली बजाने लगे। स्वामी सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित ध्यान और चित्त लगा करके सुनना। भगवान ने गोपियों के वस्त्र ले लिए, कदम पर टांग दिए, वहीं मुरली बजाने लगे। परीक्षित जी ने कहा, भगवान भगवान कृष्ण ने इन गोपियों के वस्त्र लेकर के कदम पर रख दिए और फिर उसके बाद में जब गोपियों ने कहा, हे कृष्ण हमारे वस्त्र दे दो, तो उनसे कहने लगे, हम आपको वस्त्र तो दे देंगे लेकिन जल से बाहर निकल के आओ, वह भी नगिन अवस्था में। भगवान ने परीक्षित ने कहा, गुरुदेव क्या समाज पर इस कथा का कोई असर गलत नहीं जाएगा क्या? स्वामी सुखदेव जी का गला रुक गया है, उनकी आंखों में जल भर गया, वाणी अवरुद्ध हो गई, गला रुद्ध हो गया है। राजा परीक्षित ने चरण पकड़ के कहा है, गुरुदेव क्या बात है, बताओ तो सही। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित कथा संपूर्ण हो गई, अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि तेरे जैसा श्रोता इस बात को अगर कहता है तो फिर दुनिया में कौन क्या कहेगा। परीक्षित ने कहा, भगवान नहीं, आप मुझे बताने का प्रयास तो करें। स्वामी सुखदेव जी ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और कहा है, राजा परीक्षित, मेरे प्रभु भगवान की जो उम्र है ना, यह 7 वर्ष की हो रही है, मानो हो ही गई है, और द्वापर युग के समय शायद 7 वर्ष के बालक के अंदर वासनाएं अभी इस प्रथम चरण वाले कलयुग में भी नहीं है, तो गोविंद के अंदर वासनाएं तो है ही नहीं, यह बालक वासनाओं का प्रतीक तो है ही नहीं, और फिर परम ब्रह्म परमात्मा भगवान वासनाओं के प्रतीक नहीं है, भगवान वासनाओं को निकाल करके फेंकने वाले हैं, वासनाएं निकालते हैं सबके अंदर से। और गोपियां बार बार कह रही हैं, हमारे वस्त्र दे दो, भगवान ने कहा अपने वस्त्र लेने हैं तो जल से बाहर निकलो और ले जाओ। देखिएगा यह गोपियां, एक विशेष बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, गोपियां भगवान को पाना चाहती हैं और संसार में या संसार वासियों को यह समझ लेना है इस प्रसंग के द्वारा कि परमात्मा यह शरीर से कोई रिश्ता नहीं रखते हैं। गोपियां कह रही हैं, जल से कैसे निकलें, हम तो नगिन अवस्था में, मतलब परमात्मा को पाने के लिए भी जा रही हैं और अपने तन का आवरण रूपी वस्त्र रूपी पर्दा बीच में ला करके खड़ा कर दिया। लेकिन परमात्मा से जीव जब मिलता है ना, तो यह शरीर रूपी आवरण का पर्दा, वस्त्र रूपी आवरण का पर्दा
या आवरण रूपी पर्दा को हटा करके परमात्मा को देखा जाए तो वह शायद हमें पाने की कोशिश करे। शरीर को हटा करके अगर भगवान से पाने की इच्छा की जाए तो वह शायद मिल पाए। आत्मा से तो परमात्मा मिल भी जाए, लेकिन अगर कहा जाए कि शरीर से भगवान मिले तो असंभव है। परमात्मा शरीर से नहीं मिलता, इसलिए गोपियों को वह परमात्मा कृष्ण ज्ञान देना चाहते हैं। देवियों, जिस अनुष्ठान को तुम करने जा रही हो ना, यह संपूर्ण अनुष्ठान तभी संभव हो पाएगा जबकि तुम यह शरीर रूपी माया के आवरण रूपी पर्दे को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। और गोपियों ने भी देख लिया है कि सर्वस्व तो कृष्णमय है, इसलिए फिर किसके लिए यह शरीर, किसके लिए यह पर्दा, किसके लिए यह मुंह करना। और सर्वस्व छोड़ करके कृष्णमय बनकर के गोपियां जल से बाहर निकल के आकर खड़ी हो गई। भगवान ने उन्हें उनके वस्त्र दे दिए, लेकिन उन्हें अपने शरीर का कोई ख्याल, कोई शुद्ध, कोई भी शुद्ध बुद्ध नहीं है। ठीक वैसे ही जिस समय सुखदेव जी अपने नार को कंधे पर डाल करके जा रहे थे, एक सरोवर में स्त्रियां नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी, और वही सुखदेव जी के आ जाने पर उन्होंने वस्त्र नहीं पहने, वह निकल गए। जैसे ही व्यास जी आए, उन्होंने अपने तन को वस्त्रों से ढक लिया। कारण क्या था? क्योंकि यह माया का भाव व्यास जी को व्यापा था और सुखदेव जी को तो यह पता ही नहीं था, माया लगी ही नहीं थी ना, क्योंकि उन्हें तो इतना भी ख्याल, इतना भी ध्यान नहीं था कि यह संसार में जो जीव है, जो मानव बन के आया है, कौन स्त्री होता है, कौन पुरुष होता है, उन्हें यह भी पता नहीं। वह तो देह देह की ममता को हटा करके करुणा बरसाने वाले हैं। ऐसे परम पिता को पाने के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं, वस्त्र की आवश्यकता नहीं, श्रृंगार की आवश्यकता नहीं, उसे तो आत्मबोध की, आत्म जीव की आवश्यकता है। और जब यह पवित्र होकर के परमात्मा से मिलने का प्रयास करेगा तो यह मिल जाएगा। गोपियां निकल आई और वासना को त्याग दिया, भगवान ने वस्त्र दे दिए, वो खड़ी रही, लेकिन भगवान ने उन्हें बड़ा सुंदर कहा है, देवियों मैं तुम्हारे मनोरथ को पूरा करूंगा। शरद पूर्णिमा की अर्ध रात्रि के वेले में जब मैं बांसुरी बजाऊंगा, मुरली बजाऊंगा, तो तुम्हें आना है, तब तुम्हारी मनो इच्छा को पूरा करूंगा। ऐसे कहकर के गोपियों को भेज दिया। आज से उस दिन से परमात्मामय होकर के ये गोपियां कार्य करती हैं महाराज, केवल कृष्णमय। आगे इस कथा का सार अंश तत्व है वह आगे समझाया जाएगा कल महाराज स्तुत कथा में, गोपी क्या है। उसके बाद में तो देखिएगा आज बड़ी सुंदर कथा आ रही है, भगवान ने गोपियों को कृतार्थ किया है। आज प्रातः काल भगवान अपनी गायों को लेकर के चराने के लिए चले गए, लेकिन आज किसी के घर से भोजन भंडार की कोई व्यवस्था नहीं है, घर वालों ने मना कर दिया है, आज भोजन लेकर नहीं जाओगे, गायें थोड़ा जल्दी लेके आ जाना, उसके बाद पूजा होगी तो ही भोजन मिलेगा, और सभी चले गए। अब गाय यमुना के किनारे किनारे दूर जंगल में दूर चली गई। भगवान कन्हैया ने कहा है आज ग्वाल वालों से, भैया मुझे भूख लग रही है, और यहां से कुछ दूरी पर यमुना के किनारे पर ना कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, आप वहां जाके कुछ प्रसाद ले आओ। ग्वाल बाल दौड़ करके गए आज और जाकर कहा उन ब्राह्मण देवताओं से, भैया हमारे कृष्ण को भूख लग रही है, आप लोग कुछ प्रसाद दे दो तो उनकी भूख शांत हो जाएगी। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, नहीं, जब तक यज्ञ पूरा नहीं होता तब तक प्रसाद नहीं दिया जाएगा। लेकिन वही आज भगवान को जाकर के संदेश दिया उन्होंने। लेकिन देखिएगा आज उसके बाद में भगवान ने कहा अब की बार ब्राह्मण पत्नियों के पास एक बार और जाकर देख लो, क्योंकि माताओं का हृदय तो सत्कोमल होता है ना। और देखिए गई बेचारी, ब्राह्मण पत्नियों से कहा है, देवियों हमारे कृष्ण आए हैं यहाँ, भूख लग रही है, मैया कुछ भोजन दे दो उन्हें। आज ब्राह्मण पत्नियों ने देखा है परमात्मा कृष्ण जिस यज्ञ के द्वारा ठाकुर जी को कृष्ण का यजन करके उन्हें पाया जाता है, वही परमात्मा जब यहाँ आ गए तो फिर इस यज्ञ की आवश्यकता क्या है, फिर तो चलकर उनका दर्शन करना चाहिए ना, उन्हें आहुति देकर यज्ञ के द्वारा भोजन क्यों दो, साथ आए हैं तो उन्हें भोजन खिला के आओ ना।
और देखिए आज वो थालियों में परोस करके भोजन अपने कृष्ण को खिलाने चल पड़ी, दौड़ पड़ी। और जैसे ही गई है ना तो ठाकुर जी ने बड़े सुंदर भाव में परमात्मा ने इनका स्वागत किया। आज स्वागतम वो महाभाग अस्यताम करवाम किम। हे देवियों, हे मैयाओं, स्वागत है आपका, पधारो बैठो, बहुत सुंदर स्वागत। और सत्कार करके बिठा लाए, ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान को भोजन कराया, दिव्य व्यंजन बड़े सुंदर लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। और ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर कहा, तद्यात देव यजनम ततयो वो दुज जाय स्वसत्रम पारयसयंती युष्माभिग्रह मेधिनम। आपके ये व्यंजन बड़े भाव में थे मैया, बड़ा अच्छा लगा मुझे, बड़ा स्वादिष्ट, बड़ा आनंद आया और सुंदर लगा, बड़े आनंदित थे ये। और तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया, पावन कर दिया अपने हाथों से यह भोजन खिला करके मैया। भगवान ने कहा तो अब तुम चली जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम्हारे पति यज्ञ कर रहे हैं मैया, और जब तक तुम लौट के नहीं जाओगी उनका यज्ञ पूरा नहीं होगा। परमात्मा को किसी से मोह नहीं है। अच्छा, सत्कार तो अवश्य करते हैं लेकिन मोह नहीं करते, भगवान मोह नहीं करते। और वही ब्राह्मणियां कह रही हैं, प्रभु हम तो अपने पतियों की आज्ञा लेकर नहीं आए थे, अगर जाएंगी तो क्या हुआ, मैं स्वीकार करेंगे। भगवान ने कहा जाकर देख लो मैं कहां गया हूं, यहीं तो हूं, जाकर देखो तो सही। और ये दौड़ी दौड़ी ब्राह्मण पत्नियां जब अपने घरों पर यज्ञों में आई है ना, यज्ञ मंडप में, तो ये ब्राह्मण यज्ञ को छोड़ करके खड़े होकर के उन्हें हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं, देवियों तुम धन्य हो, जैसे यज्ञ का यजन करने के बाद परमात्मा हमें शायद नहीं मिले, लेकिन तुम उस परमात्मा को मिलकर के आई हो, उन्हें प्राप्त करके आई हो। हमारे घर आने पर भी भगवान को पाना भूल जाए हम, लेकिन तुमने आकर के अपने परमात्मा को बसा लिया, मिल ले, तुम कृतार्थ हो, तन्मय हो, आनंदमय हो तुम। जिस पर परमात्मा की कृपा होती है उसी को भगवान मिलते हैं। पास होने पर भी दर्शन नहीं हो पाता, ठाकुर जी पास बैठे हो दर्शन नहीं कर पाते ये नेत्र, लेकिन जिस पर वह कृपा करें वह आनंदमय हो जाता है। ब्राह्मण पत्नियों को सम्मान देकर के यज्ञ ब्राह्मणों ने, उन्होंने यज्ञ में स्थान देकर के उसे पूरा किया है, भगवान को प्राप्त किया। यहां से लौट करके आए हैं बड़ा प्रेम से, बोलेंगे गोविंद भगवान की जय हो। थोड़ी देर और ध्यान, थोड़ा सा भगवान की कथा में लगा लो, बस थोड़ी देर की बात और, फिर तो बंधन से छूट जाओगे। बंधन ही तो है, अभी ब्याज जी कथा में ही लगे पड़े, ऐसा नहीं कि आरती कर दें और प्रसाद लेकर के घर चले जाएं। मतलब कब तक कहेंगे न जाने, लगे रहते हैं दाए 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 दाए, न जाने काका बके, ये मन बड़ा चंचल है। और मन कहां दौड़ता पता है, इस मन को रोकने का प्रयास करो, ये दौड़ता ही रहता है, भागता ही रहता है हमारा ये। और जब तक इसे रोकोगे नहीं ना, तब तक कोई भी काम होने वाला नहीं है। एक मैया ने एक पुजारी जी को निमंत्रण दिया, और देखिए निमंत्रण देकर के कहा जल्दी टाइम से आ जाना। बूढ़ी मैया ने प्रसाद बना करके रख लिया, और पुजारी जी बेचारे जब गए भोजन करने के लिए, तो देखिए उस बूढ़ी मैया ने पापड़ भी सेक रखे थे पुजारी जी के लिए, लेकिन वो पापड़ सेक करके ना ऊपर पत्थर पर रख दिए थे। अब जब पुजारी जी आ गए भोजन के लिए, तो उन्होंने सारा व्यंजन परोस दिया, पापड़ भूल गए दिमाग से, वो पत्थर पर ही रखे रह गए। अब पुजारी जी से कह रही है भोग लगाओ प्रभु, और पुजारी जी के सामने ही रखे पापड़। अब पुजारी जी का मन पापड़ों में अटका हुआ है, भोग कैसे लगे। मैया कह रही है भोग लगाओ प्रभु,
अरे सारे व्यंजन आ गए, अब बस भोग लगाइए आप। लेकिन पुजारी जी का मन तो वही है, अब कैसे कहे कि मैया पापड़ दे दो, कह भी तो नहीं सकते ना। इसलिए देखिए कितना सुंदर बहाना बनाया है, मैया भोजन का करें, बार बार एक ही बात याद आ रही है। कहा याद आ रही है? अरे मैया जब मैं भोजन करने तुम्हारे घर पे आ रहा था ना, तो क्या हुआ? अरे पूछो मत क्या हुआ, रास्ते में इतना बड़ा सांप मिला, काला फन वाला, और मैया बस डंक मारने वाला था, एकदम से बच गया, मैं बाल बाल बचा। मैया ने को कितना बड़ो सांप हो बाबा, कितना लंबा सांप था। मौका मिल गया पुजारी जी को, एकदम से कहने लगे मैया वो सांप कितना बड़ा था बताऊं? हाँ मैया मैं यहाँ बैठा हूं ना, यहां से लेकर जो तुम्हारे पापड़ रखे हैं ना वहां तक, जो तुम्हारे पापड़ रखे हैं ना वहां तक, इतना लंबा था। और जैसे पापड़ का नाम आया मैया को याद आ गया, हाय मैया तुम्हारे सांप ने तो मेरे पापड़ को भी याद दिला दिया, मैं तो इनको परोसना ही भूल गई थी। और मैया दौड़ी दौड़ी गई पापड़ लाके परोस दियो, हाय महाराज जी सांप भले को आयो जो पापड़ रह जाते नहीं तो। और पुजारी जी कह रहे हैं यह सांप तो पापड़न के ताई आयो, ये कहां वैसे ही आयो, तो ऐसे ही तुम्हारा मन है। अब तो बस महाराज जी सांप कितना बड़ो कि हम यहां पर बैठे ना वहां के प्रसाद बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज ग्वाल बाल गायों को लेकर के आए हैं, अपने घरों में जब गए ग्वालों को खरगों में किया गायों को, और जैसे घरों में घुसे ना तो बड़ी सुगंध आ रही है घरों से, बड़े सुंदर सुंदर देसी घी में बड़े प्यारे प्यारे पकवान बन रहे हैं वृंदावन में। और सुनो यशोदा मैया भी बहुत सुंदर लड्डू बना रही है, पकवान बना रही है, तो वही कन्हैया एकदम से गए भूखे, और एकदम से जाकर के जैसे ही लड्डू लेकर खाना चाहो ना, यशोदा मैया ने हाथ पकड़ के कहो ना लाला आज शैतानी ना चलेगी, क्योंकि आज सबसे पहले भगवान जी की पूजा होगी, और पूजा होने के बाद फिर संत ब्राह्मणों को जिमाया जाएगा, और उसके बाद ही कोई भी भोजन करेगा घर का सदस्य। भगवान कहने लगे मन में हमसे बड़ा भगवान कौन है जो पूजा को भोग लगा देगी और हमें मना कर रही है ये मैया है। लेकिन मैया कौन से वाले भगवान को भोग लगाया जाएगा जरा बता तो सही हमको। लेकिन भगवान बड़े प्यार से जब कह रहे हैं तो मैया कह रही है देख लाला हमको तो कछु ना पतो, तेरे नंद बाबा जाने। अब सांप कितना बड़ो है पतो है, ये 56 भोग रखो का इतना बड़ो है यहाँ तक। अब तो यही मन होगा जरूर महाराज जी, अब तो ये सांप इतना बड़ो है यहाँ से लेके ये 56 भोग जो आए के रखो है ना यहाँ तक है, ये सांप का कभी कम थोड़ी होगा बढ़ते ही जाएगा। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। और कन्हैया जी बड़ी सुंदर बात से नंद बाबा के पास आ गए, बाबा हमारे घर पे कौन से वाले भगवान की पूजा होगी। नंद बाबा ने कहा लाला प्रति वर्ष की भांति आज हमारे घर पे ना इंद्र भगवान की पूजा होगी। लेकिन भगवान समझा रहे हैं कृष्ण बाबा इंद्र हमारे भगवान नहीं है, केवल या इंद्र देवता है ना, यह तो केवल छोटे से हमारे भगवान के एक सेवक हैं, जैसे कि उनको अनुमति उनको काम सौंपा है कि तुम्हें जल बरसाना है, ऐसी प्रकार के अनन्य सेवक हैं उनके, किसी को वायु चलाने का काम, किसी को अग्नि का काम, किसी को जल का काम, किसी को किसी का, किसी को किसी का, यह सर्वस्व नियुक्त कर रखा है उन्होंने। वास्तविक हमारे भगवान कौन है ना। नंद बाबा बोले ना ना भैया हमारी गायें इंद्र देवता जल बरसाते हैं,
जल वर्षा होती है, घास उगती है, घास उगती है ना, उस घास को हमारी गाय खाती है, वही गाय दूध देती है, उससे माखन निकलता है, दूध होता है, घी बनता है, उससे हमारा व्यवसाय चलता है, हमारे उधर की पूर्ति होती है। तो हमारे भगवान तो इंद्र है ना, अगर जल नहीं बरसाएंगे तो कैसे काम चलेगा। ठाकुर जी ने बड़े प्यार से कहा है, जब कभी जल नहीं बरसता है और सूखा पड़ती है ना, तो फिर गाय कहां चारा छुपके आती है बाबा, पता है। आजकल हम जाते हैं गायों को लेकर के, वह गोवर्धन की तलैटी में जो चारा रहता है ना, वहां घास, वहां चारा चुगती है गायें। इसलिए बाबा हमारे ब्रज के राजा, हमारी गायों की सेवा करने वाले तो ब्रज राज गिरिराज हैं केवल। इसलिए ब्रज में पूजा किसकी होनी चाहिए? गिरिराज भगवान की। अन्य गोपों ने कहा, अगर ऐसा वैसा कुछ हो गया कन्हैया तो तेरी जिम्मेदारी रहेगी ना। भगवान कृष्ण कहने लगे, अगर तुम्हारा भगवान कुछ भी कहे करेगा तो मेरी जिम्मेदारी है, जाओ। लेकिन पूजा ब्रज में करो तो केवल गिरिराज की करो, किसी और की नहीं होगी। और आज देखी यशोदा मैया ने तो ढोल पिटवाई दिया इतनी देर में। सुनो भैया, जाकर कह दो सभी लोग, घर घर जाकर के सूचना दो, अपना अपना सामान बांध करके ना वो सभी गिरिराज का पूजन करने के लिए चल पड़े। और देखिए आज बैलगाड़ियों में सामान बांधा है, बहुत सुंदर। और बड़े प्यार से गुनगुनाती हुई मैया यशोदा जा रही है आज, बड़े सुंदर भाव। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, नाई माने मेरो मनुआ, नाई माने जिकारो कनुआ, नाई माने मेरो मनुआ, नाई माने कारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ। जय हो। शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया, ओ सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया। अरे मैं तो संतन नौत जे माऊ मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊ मेरे वीर, नाए माने मेरो मनुआ, नाए माने जे कारे कनुआ, नाए माने मेरो मनुआ, नाए माने जे कारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाए माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाए माने मेरो मनुआ। जय हो।
सात कोस की दौ परिक्रमा, सात कोस की दौ परिक्रमा, सात कोस की दौ परिक्रमा, सात कोस की दौ परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ, तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ, नाई माने जिकारो कनुआ, नाई माने मेरो मनुआ, नाई माने जिकारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ, तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ। जय हो। कपलेश्वर के दर्शन करते, कपलेश्वर के दर्शन करके, कपलेश्वर के दर्शन करते, कपलेश्वर के दर्शन करके। मैं तो हरि चरण नच चलाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ, तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ, तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ। जय हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े 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 और चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा और चपलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे गले में कंठा साज रहो तेरे गले में कंठा साज रहो हाँ तेरे गले में कंठा साज रहो तेरे गले में कंठा साज रहो थोड़ी पहीरा लाल ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। देखिए जिन माताओं ने पूजन करना है वो बैठ जाइए पूजन करने के पश्चात। और हमारे पुरुष भाई कह रहे हैं कि ये माताएं हमारा नंबर नहीं आने देती हैं, तो आप बैठ जाओ। थोड़ी देर पूजन कर लिया हो तो एक एक करके हमारे पुरुष भाई भी आ जाएं, सभी पूजन करें। भैया गोवर्धन महाराज का सभी पूजन करें, सभी आकर के पूजन करो। ऐसा लग रहा है मैया पूजन कम कर आरती गाओ प्यारे तुम कुर जाओ आरती गाओ प्यारे तुम कुर जाओ माके बिहारी तेरी आरती गाओ माके बिहारी तेरी आरती गाओ मेरे मुकुट तेरे शीत पे सो है प्यारी मुरलिया मन मन मोहे देख सभी बलिहारी जाओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों को शीश झुकाओ बिहारी तेरी आरती गाओ नाथ अनाथ के नाथ आप हो दुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो श्री चरणों में बल बल जाओ बिहारी तेरी आरती गाओ बोल जो बिहारी तेरी आरती गाओ बिहारी तेरी आरती गाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो।